तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका GTA 5 की वीडियो में। तो आज के इस वाली वीडियो में मैं अपने चार बॉडीगार्ड्स की पावर को चेक करवाने वाला हूं, क्योंकि ना हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन आई है कि बालास का कोई एक न्यू एरिया अभी छोटा सा है। तो हम लोग अपने बॉडीगार्ड्स को वहां पर लेकर के जाएंगे और सीक्रेट अटैक करेंगे उनके ऊपर, और चारों बॉडीगार्ड्स देखेंगे कितने ज़्यादा तगड़े हैं। और बाकी ना यार, थोड़ा बहुत हम लोग सोच रहे हैं याच का भी कुछ चेक करा जाए, क्योंकि ना लास्ट टाइम जब हमने फ्रैंकलिन के पास डील देखी थी जो बंदा आया था याच से, और उसकी जो याच है बहुत ज़्यादा मेरे को तगड़ी लग रही थी। तो उसको देख करके मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि मैं भी अपना कि याच का बिजनेस क्यों ना खोलूं, क्योंकि ना हमें तो एक आसानी हो जाएगी अपनी सुपर कार्स जो भी हम लोग खरीदते हैं ना अपने शोरूम के लिए, हमें शिप से लेकर के आएंगे डायरेक्ट, और वैसे भी ना हमें प्लेन से लेकर के आना पड़ता है, फिर सड़क से उसे चला करके लाना पड़ता है। तो सीधा हम लोग एक काम करेंगे, उसको ना अपने याच या तो शिप्स का बिजनेस खोलेंगे, उसके अंदर गाड़ियों को लोड करवा करके डायरेक्ट ले आएंगे लॉस सैंटोस में, जो बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। फिलहाल तो इस टाइम पर अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं शोरूम पर। हाँ यार, आज हम लोग लेकर के आए हैं थार को, और बाकी इंडियन गाड़ी अपने पास लास्ट टाइम है इनोवा, और भी ज़्यादा है, और हम लोग लेकर के आए थे पिछली वाली वीडियो में उसको एक शैंडी शोर्स के रास्ते पर, एक शोरूम था जो कि था क्लंकिंग बेल्स का शोरूम, और वहाँ आपको याद होगा अपना पुराना दोस्त सिमियन भी आया हुआ था, और जो भी गाड़ी खरीदने आया था ना उसको हमने खरीद ली। एक तो हैरियर थी और एक इनोवा थी, उन दोनों गाड़ियों को हमने परचेज कर लिया, और सिमियन भाई पूरा चिढ़ गया था। बाद में वो बैनी को लगा थप्पड़ मारने, तो बैनी ने भी पीटा, मैंने भी उसे पीटा, ड्राइवर ने भी उसको पीटा, और आखिरी में आपको याद होगा वो अपनी ऑडी R8 लेकर के वहाँ से भाग गया डर के। फिलहाल भाई अपने को ना पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा, वैसे दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ना अपनी जो सिक्योरिटी है ना अपने साथ रह रही है हर टाइम। देख ही रहे होंगे पीछे की साइड ब्लैक कलर की गाड़ी अपनी सिक्योरिटी की ही है, और एक बंदा सिक्योरिटी का अपने साथ बैठा हुआ है। भाई बढ़िया लग रहा है मेरे को, अब लग रहा है ना कि रिच मैन लग रहा हूँ मैं पूरे लॉस सैंटोस में, और फीलिंग भी पूरी रिच वाली आ रही है। तो ठीक है गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जा करके सबसे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो। फिलहाल तो गाइज इस टाइम पर ना मैं और मेरे बॉडीगार्ड्स पहुंच गए हैं शोरूम के बहुत ज़्यादा क्लोज, और ये है पीछे वाला रास्ता, क्योंकि ना यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा कम आया हूँ। तो फिलहाल अपनी थार को लेकर के यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ना 4x4 है, पावर बहुत ज़्यादा थार में, और हम लोग ना किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो कोई भी रास्ता हो, ऊँचा नीचा, अपनी गाड़ी आराम से वहाँ से चली जाती है। तो ठीक है, फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने शोरूम पर, और बाकी ना अब जल्दी से चलते हैं थार को अंदर लेकर के। लेकिन ये जो वर्कर है ना भाई, देख रहे हो ऊपर सफाई करते रहते हैं, और मेरे को देख करके पता नहीं डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। तो ठीक है यार, ये तो करते रहेंगे, अब जल्दी से ना पहले अपने बॉडीगार्ड्स को आने देते हैं और फिर अंदर चलते हैं। ऐसे भी ना आपको एक मैं कमाल की चीज़ अभी दिखाऊंगा अपने बॉडीगार्ड्स की। देखो यार, पता नहीं वो लोग कब आएंगे, वैसे मेरे पीछे ही तो थे, अब तक तो आ जाना चाहिए उनको। फिलहाल गाइस वो मेरे को नज़र आ चुकी है गाड़ी आते हुए, और ये लोग भी देख रहे हो गाड़ी लेकर के अंदर आ गए हैं। अब जल्दी से ना मैं आपको कमाल की एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इनको एक इशारा करूँगा ना तो ये नो अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे चारों के चारों। तो ठीक है, बोलता हूँ इनको। क्या गाइस, इस टाइम पर ना मैंने इनको समझा दिया है किसका क्या रोल है और दूसरे बंदे को क्या काम करना है। अब जल्दी से मैंने इन्हें इशारा भी कर दिया है, और ये लोग अब पूरा रेडी हैं अपने रूल को फॉलो करने के लिए। और देखो गाइस, चारों अपनी पोजीशंस पर जा रहे हैं, और मैं आपको एक बार इनके पास जा करके दिखाता हूँ कि इनको मैंने कौन कौन सा रूल दिया हुआ है। और वैसे यार बात करूँ इनके पास गन्स की, गन्स भी इनको मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं, और AR गन्स हैं। देखो भाई, एक बंदा ना पीछे की साइड खड़ा है, और जो दूसरा बंदा है उसका काम है वहां पर जाकर के राउंड मारने का या तो खड़े होने का, और ये शांति से जाकर के ना वहां पूरा चेकिंग वगैरह करेगा, क्योंकि वो गैराज का डोर है ना, तो वहां से गाइस कोई भी बंदा आसानी से आ सकता है। तो मैंने इसको यहां पर पोजीशन दी है खड़े रहने की। एक बंदा मेन एंट्रेंस पे खड़ा रहेगा, एक यहां पर खड़ा रहेगा, और जो ये बंदा देख रहे हो इसका काम है इधर उधर नजर रखना। जितने भी पार्किंग में गाड़ियाँ, जितने भी बंदे आते हैं ना, ये उनको देखता रहेगा और सब पर नज़र रखेगा। अगर कोई भी इनको गड़बड़ लगती है, मैंने बोल दिया भाई मेरे पास आओ सीधा, अगर मैं ऑर्डर करूँ तब मारना, क्योंकि ना ये भाई ब्लैक कमांडो एक टाइप से, ये ना डायरेक्ट सीधा ठूक ही देगी बंदे को जिन पर इनको शक हुआ। तो मैंने पहले बोल दिया कि भाई लॉस सैंटोस में कुछ ऐसे बंदे भी रहते हैं जो शरीफ हैं, क्योंकि उनके हरकतें बहुत ज़्यादा बेकार हैं, बस एक बार मेरे पास जरूर से आना। और ये है चौथा बंदा अपनी सिक्योरिटी का। और बाकी ना आज हम लोग इनकी पावर को तो ट्राई करने वाले हैं बालास के उस छोटे से एरिया के ऊपर, और अगर ये लोग वहाँ पूरा सक्सेसफुली काम कर जाएंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, तो हम लोग तो चार सिक्योरिटी वाले भी बंदे रखेंगे। अगर एक आधा मारा गया
तो सोच रहे हो लेस्टर की सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी, जैसा कि इसने मेरे साथ वादा करा ना कि बहुत ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करके आए हैं, तो लेस्टर की बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ले आएंगे कुछ और सिक्योरिटी पैसे दे करके, दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, ये है हैरियर जो कि टाटा की है, और हम लोग इसको भी लास्ट वाली वीडियो में परचेस करके लेकर के आए थे। और बाकी ना यार, मैं प्लान कर रहा हूँ लंबोर्गिनी और भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के आऊँ अपने शोरूम के अंदर, क्योंकि ना इंडियन गाड़ी जब से अपने शोरूम पर आई है तब से ना भाई अपनी ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है, शोरूम चल रहा है बढ़िया तरीके से, सही बता रहा हूँ। और अपने पास ठीक ठाक सा पैसा है कि मैं याच वाला सिस्टम भी खरीद सकता हूँ, उसके लिए भी देख लेंगे आज जा करके। मेरे को किसी ने लोकेशन तो बताई है याच की, जहाँ हम लोग अच्छा खासा अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो देखो ये खड़ी है एक इनोवा और लेफ्ट में है हैरियर। ठीक है भाई, अभी तो दो है, बाकी मेरी स्विफ्ट कहाँ पर चली गई है यार, वो पता नहीं चल रहा अभी स्विफ्ट मेरी कहाँ गई। जल्दी से ना एक बार गैराज में चल करके देखता हूँ किसी ने चुरा तो नहीं लेना, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे यार दिक्कत हो जाएगी अगर किसी ने अपनी स्विफ्ट को चुरा लिया होगा, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा कूल गाड़ी है, मन मेरा नहीं कर रहा उसको सेल करने का किसी को भी, वैसे डीलर भी कोई नहीं मिला अभी तक तो। और फाइनली ये रही अपनी स्विफ्ट, और चीफ इसको चमकाने में लगा हुआ है, जैसे मिट्टी उट्टी चढ़ गई होगी। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से साफ कर दे इसको, और हम भी बिना गाइस यहाँ से अब निकलना होगा बालास के एरिया के लिए, और हमें ना अटैक करना है और अपनी सिक्योरिटी की पावर को देखना होगा। ठीक है, अगर आज वो लोग मार देंगे ना जितने भी बंदे होंगे, अब मेरे को आइडिया नहीं है कि वहाँ पर 10 बंदे होंगे, 20 बंदे होंगे, 100 बंदे होंगे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अब ये तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। अब जल्दी से चलते हैं सीधा अपने पहले ट्रक के अंदर बैठते हैं, और ट्रक को लेकर के चलते हैं सीधा बाहर, क्योंकि थार है यार उसको हम लोग नहीं लेकर के जा सकते, क्योंकि वो अपने पर्सनल व्हीकल नहीं है, ये अपना पर्सनल व्हीकल है जो कि अपने को मिलिट्री के कर्नल ने गिफ्ट में दिया था। अब उससे भी बातचीत नहीं हुई है, प्रेसिडेंट के भी पास हम लोग बहुत दिन से नहीं गए हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस को ब्लास्ट करवाया था, फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, तो देख लेंगे भाई, आपको पता ही होगा बाकी सारी स्टोरी। तो ठीक है, अब जल्दी से ना हम लोग अपने ट्रक को बाहर की साइड लेकर के चलते हैं, और थार को अंदर हम लोग खड़ा कर देते हैं, क्योंकि थार बाहर खड़ी रहेगी ना तो चोरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे क्योंकि अपनी सिक्योरिटी अपने साथ जा रही है ना तब। ओके, तो गाइस इस टाइम पर ना देख रहो ये जो शटर है ये खुल चुका है, इसमें ना पता नहीं यार सेंसर्स की कोई प्रॉब्लम है, जल्दी नहीं खुलता है, अगर देर तक खड़े रहो तो जाकर के खुलता है। फिलहाल मैं अपने ना ट्रक को बाहर लेकर के आ गया हूँ, और इसमें ना मैं चलूँगा एक सिक्योरिटी वाले को साथ रख के, और बाकी ये लोग अपने बंदे गाड़ी लेकर के पीछे तो आएंगे ही अपने। फिलहाल मैं अपने ना ट्रक से उतरता हूँ, जल्दी से बैठता हूँ थार के अंदर, और थार को लेकर के चलते हैं सीधा अपने शोरूम में पार्किंग में लगाने के लिए। बाकी चहल पहल तो अपने शोरूम के बाहर होनी शुरू हो गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सिक्योरिटी आ गई है, गाड़ियां आ गई हैं, वेपन्स भी अपने पास है, पैसा भी ठीक ठाक है। और आप लोग बताओ कि अपने को और क्या कुछ करने चाहिए जिससे हम लोग इंप्रूव हो सकें। जो भी यार पैसा कमाने के लिए मैं कर ही रहा हूँ, जो याच का बिजनेस है वो भी ना मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि एक बार रन कर लेता हूँ, और उससे भी प्रॉफिट ठीक ठाक सा होगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा कि लॉस एंटोस में याच का कोई बिजनेस कर सकता है। देखो गाइज, इसको ना यहाँ पर खड़ाता हूँ पहले, और हाँ मैं बात कर रहा हूँ शोरूम की, लॉस एंटोस में गाइस सुपर बाइक्स का भी शोरूम है, सुपर कार्स का भी शोरूम है, विंटेज कार्स का भी शोरूम है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना वो सब ओल्ड हो चुका है भाई। हम लोग सोच रहे हैं कुछ न्यू करें और सबसे अलग करें, क्योंकि तुम्हारा भाई सबसे अलग चीज़ें करता, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक याच का बिजनेस ओपन करा जाए जो अभी तक लॉस एंटोस में किसी ने भी नहीं करा है, और वहाँ मैं ही बोट्स लेकर के आऊँ, ऐसे कस्टमाइज बोट्स करवाएँ हम लोग और उनको सेल करूँ, एक तरह से कुछ न्यू ट्रेंड हो जाएगा लॉस एंटोस पे, वो भी हम लोग सोच रहे हैं, जरूर से हम लोग करेंगे। फिलहाल ना अभी ज़्यादा बकवास हो गई, अपने ट्रक पे बैठता हूँ, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के जल्दी से यहाँ से निकलते हैं सीधा उस बालास के एरिया पर, और देखना पड़ेगा वो एरिया है भी है वहाँ पर कि नहीं है। सब लोग तो इस टाइम गाड़ी में बैठ चुके हैं, लोड हो चुके हैं, एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, तो ठीक है यार इस टाइम पर हम लोग फुल रेडी हैं। वेपन्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी सिक्योरिटी के पास वेपन्स हैं, मैंने इनको एक दो गन्स तो प्रोवाइड करवा दी हैं, एक बंदे को दो गन्स प्रोवाइड करवाई हैं, एक पिस्टल और एक एयर, तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी लेस्टर कह रहा है कि ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, अब देखा जाएगा उधर ही जा करके पता चलेगा कि बालाज अगर वहाँ पर हुई, अगर इन्होंने उनको मार दिया तो एक बार ना बॉडीगार्ड्स ओपी कमेंट्स में जरूर से लिख देना, क्योंकि मेरे को लग रहा है भाई ये कुछ कमाल कर सकते हैं अगर बंदे वहाँ पर हुए तो। तो फिलहाल इस टाइम पर ना अपनी गाड़ी को मैं, मतलब गाड़ी तो नहीं कहूँगा, ये एक ट्रक है बहुत ज़्यादा तगड़े वाला जिसमें एक एग्जॉस्ट लगा है सुपर गाड़ी का, इसको लेकर के चलते हैं सीधा उस लोकेशन पर।
फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर हम लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के पहुंच गए हैं सीधा उस एरिया पर, और ये एरिया शैंडी शोर्स है जहां तक ना लेस्टर के किसी एक खुफिया बंदे ने उसको इन्फॉर्म करा था कि यहां ना बालाज रहती है। अब लोकेशन तो उसने यही कहीं बताई है, ये एक विलेज है, देख रहे हो बहुत ज्यादा ओल्ड एरिया है, मतलब यार यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं आपको नजर आ रही होंगी, बस रेत हर तरफ। और ये देख रहे हो वुल्फ और फॉक्स, क्या है ये भाई, मेरे को कमेंट्स करके जरूर से बताना। मेरे को तो ये ना वुल्फ नजर आ रहे हैं, मतलब पता नहीं भाई फॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, अभी ना वेट करते हैं अपनी सिक्योरिटी का, बस अब आती होगी अपनी सिक्योरिटी, एक बंदा तो अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। और कुछ मेरे को घर सामने की साइड नजर आ रहे हैं, तो एक काम करता हूँ अपनी स्नाइपर निकालूँ क्या, एक बार जूम करके देखते हैं, या तो मैं इनके क्लोज चलूँ। यार अभी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बंदे हुए ना पालास के तो मैं तो फाइट नहीं करूंगा, अपने बंदों को फाइट करवाऊंगा। फिलहाल ना इसको बोल देता हूँ यहीं पर खड़ा रहे, और अपने बॉडीगार्ड्स भी पहुँच ही गए हैं। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर जैसे कि आप देख रहे हो अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच गई है, और अब अपना काम है सामने की साइड नज़र रखना। अब स्नाइपर से जूम करके देखते हैं कि सामने बालास के बंदे हैं भी हैं, लेकिन वेट गाइस सामने की साइड मेरे को कुछ बालास के बंदे नज़र आ रहे हैं। मारने को मैं अभी इनके हेड बचा सकता हूँ, एमओ भी मेरे पास अच्छी खासी है, लेकिन नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा, मेरे बॉडीगार्ड्स इन्हें मारेंगे। मैं इन्हें ना जल्दी से बोलता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर खड़े रहो, पहले मैं जा करके पूरा चेक करके आता हूँ सामने। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपनी स्नाइपर हाथ में लेकर के जल्दी से चलता हूँ सीधा आगे की साइड, और बंदे देख रहे हो भाई हर एक जगह पर आएंगे, तो बालास के बंदे हैं। आपको याद होगा हमने मिलिट्री के साथ मिलकर के वहाँ ब्लास्ट करा था, बहुत ज़्यादा तगड़ा। लॉस सैंटोस में इनकी ग्रूव गैंग को हमने उड़ा दिया था, लेकिन वहाँ से कुछ 50-60 लोग बचे होंगे, या तो इनके कोई और ग्रुप होगा। ये यहाँ आकर के पूरा परिवार बढ़ा रहा है अपना, लेकिन ऐसा मैं काम नहीं होने दूंगा, क्योंकि ना यार ये अपने लिए खतरा है। ये अगर बड़ी टीम हो जाएगी तो अपने शोरूम पर अटैक कर सकते हैं, अपने को जान से मार सकते हैं, अपनी फैमिली को भी। तो प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसे सॉल्व कर दिया जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा। तो ठीक है यार, अब जल्दी से ना मैं इनके और क्लोज चलता हूँ, एक बार अच्छे खासे तरीके से ना इनको पूरा स्कैन कर लेते हैं कि जो लेस्टर के दोस्त ने बताया इन्फॉर्मेशन वो पूरी सही है या तो गलत है। फिलहाल ना मैं इनके घर के बहुत ज़्यादा क्लोज तो पहुँच गया हूँ, घर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं इनके, देख रहे हो भाई, लेकिन ये बालाज है मैं तो कन्फर्म हो गया हूँ इस टाइम पर, क्योंकि ना इनकी पर्पल गाड़ियाँ हैं और पर्पल कलर के इनके क्लोज हैं। अब भाई लड़ाई यहाँ पर हो करके रहेगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं अभी मारूंगा इन्हें, अपने बॉडीगार्ड्स के पास चलते हैं, उनको बोलूंगा कि देखो अब तुम्हारा काम है जितने सामने बंदे खड़े हैं जा करके ख़त्म कर दो, और अगर अपने बॉडीगार्ड्स चारों बंदे जो हैं अगर सामने जितने भी ज़्यादा बंदे हैं उनको मार देंगे तो देख रहे हो गाइस बॉडीगार्ड्स ओपी जरूर से लिख देना कमेंट्स में, क्योंकि मेरे को लग रहा है भाई ये फेल हो सकते हैं। अगर आप लोग लिखोगे कमेंट्स में तो शायद से ये लोग मार भी दें उन्हें, तो ठीक है इन्हें देते हैं ऑर्डर। लेकिन एक मिनट गाइस, उनकी ना नज़र अपने ऊपर पड़ गई है, तो अपने बॉडीगार्ड्स भी पूरे रेडी हो गए हैं उनको मारने के लिए। देखो भाई सामने की साइड से अपने चारों बॉडीगार्ड्स जा रहे हैं पोजीशन लेकर के, और सामने की साइड वो बालास को मारते जा रहे हैं। मैंने जैसा कि बोला है मैं मारने को बालास को मार सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी ना अपनी एमओ को वेस्ट नहीं करूंगा, इनको यहाँ पर खड़े रहने देते हैं। नहीं 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 मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, अपने बॉडीगार्ड्स को देखता हूँ ये लोग कुछ करेंगे क्या। भाई देख रहे हो कवर में तो रह करके ये लोग बहुत ज़्यादा गंदा मार रहे हैं उनको, तीनों ने अलग अलग पोजीशन ले रखी है, एक पीछे है, एक सेंटर में, एक सबसे आगे है, और एक रश करता जा रहा है। ठीक है भाई अब मैं ना इनके क्लोज चलता हूँ, मेरे पास भी वेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख रहे हो इस टाइम पर मेरे बॉडी गार्ड्स फाइट कर रहे हैं और मैं लड़ाई के बीच में चुपचाप चल रहा हूँ पूरी चौड़ में, और इन्होंने तो चुटकियों में भाई सबको ख़त्म कर दिया है। वो भाई बहुत ज़्यादा बंदे थे यार, यहाँ 20-25 बंदे तो होंगे, लेकिन अपने चारों बॉडीगार्ड्स ने यहाँ पर सारे बंदों को ख़त्म कर दिया है। भाई लाशें यहाँ पर इनके, लात मारूँ क्या मैं, एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं ना भाई तुम लोग। एक मिनट लात मारता हूँ मैं एक आधे के, तो शायद से अगर वो उठा तो वो मारा जाएगा, लेकिन नहीं यार ये लोग एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, इसके मारते हैं। ठीक है यार नहीं ये मर चुका है। अबे यार अपने चारों बॉडीगार्ड्स तो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, और इनकी गाड़ी है ना तो इनको भी ब्लास्ट करके हम लोग चलेंगे, लेकिन देखो भाई ये एरिया तो हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। चारों बॉडीगार्ड्स आए और यहाँ पर जितने भी 25-30 बंदे थे उनको मार करके इन्हें गिरा दिया है। यार बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार अपनी आर्मी सही में, अब मेरे को भरोसा आ रहा तगड़े बंदे अपने साथ। तो ठीक है अब ना हमें निकलना चाहिए इधर से, लेकिन एक मिनट ये बंदे कहाँ से भागे हुए आ रहे हैं बालास के, और इन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग वगैरह करनी शुरू कर दिया। वो तो शुक्र करो मैंने वेस्ट वगैरह डाल रखी है, तो अब मैं मारूंगा इन्हें और अपने ना चारों बॉडीगार्ड्स को इन्हें मार देंगे।
लेकिन मैं भी इनको मार करके दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो मेन बॉस है वो ऐसा नहीं है, उसको भी लड़ना आता है। और यहाँ पर देख लो तुम्हारा भाई AK-47 पूरा ना जिगल जिगल करता मारता जा रहा है इनके, और सिंगल टैप करके इनके हेड बजा दिया। अरे यार ये लोग घरों के अंदर छुपे हुए थे, अचानक से मौके पर इन्होंने चौका मारना चाहा, लेकिन हम इनके चाल में तो फंस गए थे सेंटर में आकर के। लेकिन नहीं यार, हम लोग तगड़े हैं, और बंदे एक बार नजर मारो बहुत ज्यादा बंदे हैं, हर तरफ से अपने को इन्होंने घेर रखा है। तो जल्दी से इनकी गेम बजानी पड़ेगी अपने को, और एक भी बंदा मरा तो नहीं है ना अपना। लेकिन एक चल निकल इधर से, ये देख रहे हो कहाँ बैठ करके फायर कर रहा था। और ओ भाई अपने बॉडीगार्ड्स ब्लास्ट की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सामने इन्होंने पहले गाड़ियों को ब्लास्ट करा कि बंदे बच्चे कुछ भाग ना पाए, और फिर हम लोग इन्हें मारे। ठीक है भाई, बंदे तो अपने बहुत तगड़े हैं। अब जल्दी से ना बैठता हूँ मैं इस पत्थर के कवर में, और अब मारता हूँ मैं इनको। आओ बेटा हेड बढ़ेगा तुम्हारे, दोनों के हेड मार दिया मैंने, इसके भी हेड मारा और इसके भी हेड बजा दिया। तो फिलहाल तो अपने बंदे भी मार रहे हैं, मैं भी इन्हें मार रहा हूँ, बालास की ना पूरी गेम बजा रखी है। अरे भाई मजा ही आ गया यार, हम चार लोग हैं और आगे की साइड आप देख ही रहोगे 100 से भी ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन नहीं हम पांचों ने मिलकर के इनकी गेम बजा दी है। ज़्यादातर तो मैं तो कम ही लड़ रहा हूँ, अपने बॉडीगार्ड्स ज़्यादा लड़ रहे हैं। अब बचे कुछ, चल ना निकल बैठ करके क्या देख रहा है, बचे कुछ बंदे हमने सारे मार दिए हैं। तो ठीक है यार, अब अगर जो भी बचा है उसको मारते हैं और निकलते हैं। और अपना बॉडीगार्ड देख रही उछल उछल के मार रहा है इधर उधर। ओ भाई सामने एक बंदा आ गया था और वो इशारा कर रहा है। ठीक है, उसने ना उनको इशारा करा कि तुम लोग पीछे रहो और मैं मार दूंगा इन्हें। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लेना पीछे करके वीडियो को, पीछे की साइड भाई और भी बंदे इशारा कर रहे हैं अपने बॉडीगार्ड कि अब सब कुछ नॉर्मल है। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से ना, अब मेरे को तो नहीं लग रहा कि कोई भी बंदा यहाँ पर होने वाला है। ये क्या है, ये वॉशरूम होगा यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर मैं आ गया हूँ और दूर दूर तक मेरे को और बालास का कोई सिंगल बंदा नजर ही नहीं आ रहा, बालास छोड़ो कोई और भी नहीं है। तो ठीक है, अब जल्दी से ना हम लोग एक काम करते हैं, स्टिकी बॉम्ब वगैरह चिपकाते हैं गाड़ियों में और निकलते हैं इधर से, क्योंकि ना एक आदमी वैसे एक गाड़ी के लिए गया स्टिकी बॉम्ब चिपकाऊं, तो एक काम करता हूँ एक सिंपल बॉम्ब चिपका देता हूँ, ऑटोमेटिकली ना 10 मिनट बाद ब्लास्ट हो जाएगा और मैं चिपका करके यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँगा तो और भी शायद से बालास के बंदे आ सकते हैं। वैसे बालास अगर आए ना आए, लेकिन पुलिस वाले जरूर आ सकते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी अगर हम लोग पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे। तो ठीक है, अब जल्दी से ना निकलते हैं। फिलहाल तो गाइस अपनी सिक्योरिटी और हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं अपनी गाड़ियों के, और भागते जा रहे हैं। बाकी अपने बॉडीगार्ड्स बैठ जाएंगे अपनी गाड़ी में, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे, और फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ये सोचना होगा कि हम लोग चले सीधा शोरूम पर या तो चले याच वाला बिजनेस देखने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, याच वाले बिजनेस पर चलते हैं, वो ठीक रहेगा। अब जल्दी से आकर के बैठ जा भाई गाड़ी में। और ये लोग भी सोच रहे होंगे भाई हमारा बॉस भी बहुत ज़्यादा तगड़ा ही है यार। तो ठीक है, अब जल्दी से ना अपनी अपनी गाड़ी में बैठो और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं सीधा याच वाले बिजनेस पर, और इससे पहले कि पुलिस वाले आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। भाई मज़ा आ गया यार मेरे को तो आज बालास को ख़त्म करके। चलो यार सबके सब तो बैठ ही गए हैं गाड़ियों में, एक बॉडीगार्ड अपने साथ है, और अब हम लोग निकलते हैं इधर से। अब डरने कोई भी बात नहीं है, पुलिस आए मिलिट्री आए हम लोग सबकी गेम बजा सकते हैं, इतने तो हम लोग हो चुके हैं। अब भगाते हैं अपनी जल्दी से जीप को, और जीप कह रहा हूँ भाई ट्रक को, एक तो ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई ये जीप है कि ट्रक है या गाड़ी है, जल्दी से बताना कॉमेंट्स में कि हम लोग इसको क्या नाम दें, फिर मैं इसको वही बोल करके रहूँगा। जैसा अभी जीप, अभी तो ये गाड़ी भी लग रही है साउंड करके, जीप तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही है, और ये ट्रक तो है, ट्रक तो ये तो लग ही रहा है, ट्रक ही है भाई ये तो, ट्रक भी कह सकते हैं। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से हम लोग अपने ट्रक को लेकर के चलते हैं सीधा उस याच वाली लोकेशन के क्लोज, जहां हम लोग पोर्ट्स का काम कर सकते हैं। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर ना हम लोग ना जा ही रहे थे इधर से, और एक गाड़ी हमें नजर आई, उसको हमने ब्लास्ट कर दिया था। और जब आगे जाते जाते ना बालास के कुछ और बंदे आना शुरू हो गए हैं, और पीछे की साइड अपने बॉडीगार्ड्स को इन्होंने घेर लिया है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा भाई ने संभाल लेगा। अपने बॉडीगार्ड्स भी इनसे फाइट कर रहे हैं, मैं भी इनसे फाइट कर रहा हूँ, और देख रहे हो भाई ये बालास के बंदे ना, इन्होंने ना छुप करके और भी एरियाज में कहीं ना कहीं गैंग बना रखी है। ये लोग भाई अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं, जैसा कि मेरे को डर था बिल्कुल ये तो वैसा ही हो रहा है। तो फिलहाल ना अब हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि ना ये लोग गाड़ियाँ और ट्रक्स में भर के आ रहे हैं अपने बंदे, तो अपनी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि एक तो है अपना ट्रक सिंपल, भागने में स्पीड है नो डाउट, लेकिन चार बंदे अपने साथ हैं, मेरे को पता है हम लोग उनको हरा सकते हैं, लेकिन बिन बात के हम लोग एमो वेस्ट क्यों करें।
अगर हम लोग अपने एरिया में रहेंगे तो डरने की कोई भी बात नहीं रहेगी। और पीछे की साइड मेरे को एक बंदा नजर आ गया था जो कि अपने को देख करके वापस मुड़ गया। तो ठीक है यार, फिलहाल ना हम लोग उस एरिया से तो निकल गए हैं और अपने को 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया लॉस सैंटोस में आए हुए। अब हम लोग पहुँचे हैं जा करके, और ये जो एरिया है ना पोर्ट के बिजनेस वाला, वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के एरिया के क्लोज। देखो अपना शोरूम भी यहाँ पर क्लोज है और ये जो एरिया है ये भी क्लोज है, मतलब शोरूम बिल्कुल ही क्लोज नहीं है, जस्ट कह सकते हो कि है 10-15 मिनट की दूरी पर। तो फिलहाल अब जल्दी से चलता हूँ सीधा उस बोट वाले बिजनेस के पास और आपको चल करके दिखाता हूँ और मैं भी देख लेता हूँ। अब अपनी सिक्योरिटी कहाँ पर रहेगी यार, एक तो ना ये लोग मेरे पीछे रहते हैं, पता नहीं कहाँ ही खो जाते हैं। आ गई है फाइनली। ठीक है अब जल्दी से ना इसको ना ट्रक और अपनी गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और जल्दी से चलते हैं सीधा अंदर। और जो लेस्टर का फ्रेंड है ना, उसने अपने को परमिशन तो दिलवा दिया है, हम लोग पूरा बिना टेंशन के अंदर जा सकते हैं और पूरा अंदर जा करके एक्सप्लोर और चेक कर सकते हैं, जो भी हमें सही लगता है हम कर सकते हैं। तो ठीक है, पीछे की साइड जो बिल्डिंग देख रहे हो वही वो एरिया है जो पोर्ट्स के बिजनेस का है। अगर बढ़िया लगेगा तो हम लोग जरूर से ट्राई करेंगे परचेज करने की। फिलहाल मैं उनको जा करके ना कमांड दे देता हूँ कि जल्दी से उतरो और मेरे साथ चलो सीधा अंदर। चलो यार, इस टाइम पर ना गाड़ी को हमने पार्किंग में लगवा दिया है और चारों बॉडीगार्ड्स अपने साथ चलने वाले हैं सीधा उस शोरूम के अंदर। और वैसे बोट्स वगैरह होंगी उस शोरूम पर, क्योंकि ना वो शोरूम बस अभी न्यू बना ही है, तो मेरे को लग रहा है ना वो खाली होगा पक्का। तो चलो यार अब जल्दी से हम लोग चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और सीधा चलते हैं अंदर। और देख रहे हो भाई, बाहर से तो इसकी लुक बिल्कुल अपने शोरूम जैसी आ रही है, लेकिन ये ऊपर की साइड भी शायद से बना हुआ है। और जल्दी से चलते हैं अंदर। और एक तरफ मेन जो बात है ना, जो प्लस पॉइंट है बिल्कुल ना पीछे की साइड वो जो रिवर है ना भाई, वो भी अपने को मिल जाएगा और वहाँ पर हम लोग अपनी पोर्ट्स को खड़ा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पोर्ट्स को ले आ सकते हैं, जो जिससे लुक भी इंक्रीज होगी और बीच में एक बार भी है और पार्टी भी करवा सकते हैं। भाई बढ़िया चीज़ है यार, ये तो ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है प्लस शोरूम लग रहा है बोट्स का। देखो तो गाइस सही बताऊँ 100% बढ़िया लग रही है ये चीज़। और ऊपर की साइड पर ये बना हुआ है, ऊपर खाली नहीं है, एक फ्लोर ऊपर और है जिसपे जा करके हम लोग पोर्ट्स को सजा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना मिक्स चीज़ें रखेंगे, पोर्ट्स को भी रखेंगे, बाइक को भी रखेंगे, लेकिन इससे एरिया का प्राइस अपने को अभी तक तो पता नहीं चला है और वो भी हम लोग पता करवा लेंगे। फिलहाल तो ना इस टाइम पर लेस्टर के फ्रेंड ने अपने को परमिशन दिलवा दी थी अंदर आने की, प्राइस वगैरह तो हम लोग बाद में देख ही लेंगे। और ये क्या चीज़ है भाई, ये एक क्लीनिंग रूम है, क्योंकि सामने की साइड मोप वगैरह रखे हुए हैं और ये शायद से स्टोर रूम होगा या तो वॉशरूम होगा। और एक मिनट, ओ भाई ये स्टोर रूम वॉशरूम नहीं है, ये एक ऑफिस है जिसके बाहर कुछ बंदे हैं और ये है भाई बड़े वाली याच। जैसा कि मैंने आपको बोला है ये शोरूम मेन बोर्ड्स के लिए है और बाइक्स वगैरह वो तो अपने ऊपर डिपेंड है क्या कर सकते हैं। अब दो शोरूम मैं सोच रहा हूँ क्या ही करेंगे खोल के, वैसे अगर पैसा ठीक ठाक आया ना तुम्हारा भाई जरूर से लेकर के इसको दिखाएगा। तो अब जल्दी से चलते हैं हम लोग आगे। और ये कुछ रेस्ट एरिया है, अगर कोई भी अपने VIP कोई भी कस्टमर्स आते हैं वो ऊपर आकर के रेस्ट कर सकते हैं, आग वगैरह सेक सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गैलरी है जिसमें कई लोग बैठ सकते हैं और ऊपर की साइड भी टीचे वगैरह लगवा करके हम लोग पार्टी कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ अब जल्दी से चलता हूँ सीधा नीचे और अपनी सिक्योरिटी वाले नीचे की साइड पूरी प्रोटेक्शन में है। तो ठीक है भाई, मेरे को तो ये ठीक ठाक सा लग रहा है। और बाकी इसका एक डोर और था जो बंदे ने बोला था, वो बैक साइड का कह रहा था, वहाँ का व्यू भी तुम्हें प्रॉपर नज़र आएगा। अब जल्दी से ना दूसरे डोर पर चलते हैं और वो जो डोर है तो वो बिल्कुल पानी के सामने खुलेगा और वहाँ हम लोग अपनी बोट्स को ले आकर के रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक पियानो भी रखा हुआ है। सही है यार, मेरे को तो बढ़िया लग रही है ये चीज़, लेकिन वही है ना पैसों में होगा बहुत ज़्यादा। और ये है वो एरिया, देख लो यहाँ पर कुछ बोट्स भी खड़ी हुई हैं, शायद से अपने को ये बोट्स भी साथ में ही मिलेंगी। अब ये मेरे को पक्का नहीं पता है, यहाँ पर कुछ बोट्स और एक मिनी याच खड़ी हुई है। तो ठीक है फिलहाल अब जल्दी से ना हमें भी यहाँ से निकलना होगा। व्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन यार सही बताऊँ अभी थोड़ा बहुत पैसा अपने पे, इतना पैसा नहीं है। बाकी प्राइस हमें नहीं पता इस शोरूम का, लेकिन ना इतना तो मेरे को पता है कि ये ना 30 या 35 मिलियन डॉलर से ऊपर ही होने वाला है, इतना तो होगा ही यार ये। चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग रेडी हैं इस टाइम अपनी जगह पर निकलने के लिए। अब अपने अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपनी सिक्योरिटी को मैं लेकर के चलता हूँ सीधा शोरूम पर। चलो यार इस टाइम पर सारी सिक्योरिटी अपनी गाड़ी में बैठ के हैं, हम लोग भी अपने ट्रक में बैठ के हैं और अब जल्दी से ना हम लोग अपने ट्रक और गाड़ी को लेकर के चलते हैं सीधा अपने शोरूम पर। और वहाँ पर चल करके ना हम लोग बातचीत करते हैं एक बार लेस्टर से,
क्योंकि देखो यार, डेस्ट्रो को ना मैंने बिल्कुल भी बताया नहीं है कि मैं फ्रैंकलिन के साथ काम करूंगा, और आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि फ्रैंकलिन के साथ काम करो, और कई लोग कह रहे थे कि लेस्टर का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, उसके साथ काम करो। अब भाई मैं 50-50 फंसा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत टाइम दो। लेकिन अगर मैं लेस्टर को धोखा दूंगा तो भाई लेस्टर ने अपने को ना हमेशा बचाया ही है, एक तरह से हैकर, भाई हैकर ही है यार, एक तरह से क्या वो हैकर है, और उसने ना अपने इतनी रोबरियाँ करवाई हैं जिसमें से उसने बहुत ज़्यादा अपने को पैसा दिया है, चाहे उसका प्रॉफिट कम हो। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन कह रहा है कि मैं लेस्टर से भी ज़्यादा तुम्हें पैसा दिलवाऊंगा और रिच पर्सन की तरह रखूंगा। अब तुम्हारे पे डिपेंड है माइकल, ट्रेवर तुम्हें क्या काम करना है। चलो यार, अब जल्दी से मैं पहुंच तो गया हूँ शोरूम पर, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इससे बात ना ही करूँ तो सही रहेगा। फिलहाल स्विफ्ट यहाँ पर है। ठीक है भाई, अब जल्दी से ना एक बार बातचीत करके देखते हैं कि क्या हाल चाल है इन दोनों का, सुबह से मेरी इनसे बात ही नहीं हुई है एक बार भी। ओके तो गाइस, इस टाइम पर ना मेरी इन दोनों बंदों से बातचीत तो हो गई है, और बैनी अपने को बोल रहा है कि आज स्विफ्ट सेल होने वाली है, और ये तो मेरे को बिल्कुल अब पता चला है। कह रहा है कि तभी चीफ इसकी सर्विस वगैरह करने में लगा हुआ था, और कह रहा है कि माइकल तेरे को जाना होगा पलीटो बे की साइड, वहाँ पर कुछ बंदे हैं जिन्होंने इसको परचेज करा है, मतलब एक फैमिली है जिन्होंने इंडियन गाड़ी ली है, ठीक ठाक पैसा मिल गया। बैनी कह रहा है कि वो तेरे को ना वहाँ पर ही ट्रांसफ़र कर देगा। तो ठीक है यार, अब जल्दी से ना मैंने बैनी को बोला कि मेरे साथ चल, लेस्टर को भी बोला, लेकिन वो दोनों कह रहे हैं कि नहीं हमें थोड़ा काम है, हम लोग तो यहाँ पर ही वेट करेंगे। तो फिलहाल मैं अपने ट्रक और ट्रेलर को लेकर के, अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहा हूँ सीधा उस डिलीवरी वाली लोकेशन पर। पता नहीं, न जाने वो दोनों लोग क्यों नहीं आए हैं, फ्री तो खड़े थे शोरूम पर, शायद से उनका मन नहीं होगा आने का। तो चलो यार, अब जल्दी से ना हम लोग अपने ट्रक को लेकर के चलते हैं सीधा उस पलीटो बे की लोकेशन पर, वहाँ जिस बंदे ने भी एक गाड़ी खरीदी है उसको हम लोग ले जा कर के डिलीवर करेंगे, और शायद से वो टेस्ट ड्राइव करेगा कि नहीं करेगा अब तो ये तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन पेमेंट जरूर करेगा वो तो 100% है। कह रहा था कि मेरे से ना बैंक ट्रांसफ़र करवा लेना, उसके पास कैश नहीं है, नहीं तो वो अपने को वहाँ कैश देता। लेकिन कह रहा है कि बैंक ट्रांसफ़र मैं तब करूँगा जब मैं गाड़ी अपनी आंखों से देख लूँगा। उसने यार अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन देख करके गाड़ी बुक करी थी, उसको पसंद आई, तो चलते हैं उसके पास। ओके तो गाइस, फिलहाल ना हमें पलीटो बे आते आते पूरी शाम हो गई है, और आपके सामने ही है भाई, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया रास्ते में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। एक तो ट्रक है बहुत ज़्यादा बड़ा व्हीकल, इसको चलाने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग पहुँच गए इसको लेकर के, और लोकेशन तो कुछ यहीं कहीं बताई थी लेस्टर और पैनी ने, हम लोग पहुँच गए हैं। एक बार एक काम करता हूँ, साइड में ना ट्रक को रोक करके मैं एक बार कॉल करता हूँ उन बंदों को, नंबर मेरे पास है। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से ना फ़ोन निकालते हैं अपना और उनका नंबर डायल करते हैं और पूछते हैं कि सर तुम लोग हो कहाँ पर। फिलहाल तो गाइस, ये हैं वो दो बंदे जिन्होंने ऑर्डर करी थी गाड़ी, मैं इनके पास ही आकर के भाई इनको ढूंढ रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था। तो ठीक है, अब जल्दी से ना मैंने बोल दिया कि गाड़ी को उतारते हैं, और ये कह रहे हैं कि ठीक है, इनके पास एक बोर्ड पड़ा है वो इसके साथ ये लोग अटैच कर देंगे, और हम लोग उसके ऊपर से गाड़ी को आराम से निकाल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ से। तो ठीक है भाई, लगा दो इधर। ओके तो गाइस, अब जल्दी से ना हम लोग अपनी स्विफ्ट को लेकर के चलते हैं सीधा नीचे, और गड़बड़ ना हो जाए कोई, और बहुत ज़्यादा आराम से। ओ भाई, फाइनली तुम्हारा भाई ना स्विफ्ट को नीचे की साइड लेकर के उतर गया है, और वो जो कार्डबोर्ड तो नहीं है, वो जो बोर्ड है ना वुडन का, वो भी गिर चुका है, वो इन्हीं का है, मैं तो भूल ही गया था भाई शॉप से उसको लेकर के आना। तो ठीक है भाई, ये रही तुम्हारी स्विफ्ट, और जिसने बैठ करके देखना वो बैठ करके देख लो, और सर पेमेंट चाहिए थी मेरे को, जल्दी से कर दो भाई। सब कुछ अभी तक तो सही है, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमें तुम्हारी गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी है, और वो कह रहा है कि मैं चाह रहा हूँ टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, और बाकी जो उसका फ्रेंड है ना वो अपने को पेमेंट सेंड कर चुका है सब की सब। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से ना अपना काम भी यहाँ पर पूरा डन हो चुका है, और वो तो देख रहे हो गाड़ी में बैठ रहा है, उसकी पूरी फील करेगा इंडियन गाड़ी, निकलते हैं हम लोग। ओके तो गाइस, फाइनली वो टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर के गया गाड़ी को, और उसका फ्रेंड अपने पास खड़ा है, पेमेंट अपने पास पूरी आ गई है, ठीक ठाक पैसा आया है, इतना ज़्यादा भी नहीं आया लेकिन ठीक ठाक है भाई। अब हमें ना अपनी गाड़ियों पर भी फोकस करना पड़ेगा कि और मैं कौन कौन सी ब्रांड्स की गाड़ियाँ लेकर के आऊँ अपने शोरूम पर, जोर से कमेंट्स वगैरह करके बताना। फिलहाल ना एक बंदा उसका गया गाड़ी लेकर के, और दूसरा इधर ही खड़ा हुआ है, क्योंकि ना भाई हमें ना पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था। तो चलो भाई, अपना ये ना वुडन ले जाना पोर्ड उठा करके, और हम लोग भी अपने ट्रक को लेकर के निकलते हैं इधर से। बाकी शाम हो चुकी है, हमें रात हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते, सही में बता रहा हूँ, क्योंकि तो ये ट्रक चलता बहुत ज़्यादा स्लो है, ऊपर से ना लॉस एंजेलोस में जब हम लोग एंटर होते हैं वहाँ भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, फिलहाल ना इस टाइम पर मैं अपने ट्रक को लेकर के चलूँगा, हो सके
सही सही रास्ते से जहाँ ना बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो, और ट्राई करूँगा कि बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में भगाऊँ और जल्दी पहुँच जाऊँ सीधा अपने घर। तो यहाँ से ना राइट लेते हैं अपने ट्रक को और पूरी फुल स्पीड में भगाते हैं। वैसे शाम है पलीटो में तो ना सही बताऊँ ट्रैफिक कम होगा, लेकिन जब भी मैं लॉस एंजेलोस के हाईवे पर पहुँचूँगा वहाँ भाई ट्रैफिक बढ़ जाने वाला सही में। तो चलो भाई अब जल्दी से ना हम लोग अपने ट्रक को लेकर के चलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो जल्दी से। चलो यार इस टाइम पर ना हम लोग टनल तक पहुंच चुके हैं, हम लोग मेन लॉस एंजेलोस के अंदर पहुंच ही गए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यार ट्रैफिक इतनी भी ज़्यादा नहीं है लॉस एंजेलोस में, कम है शायद से ना सर्दी का मौसम है जिस करके कम होगी। लेकिन पटाखे क्यों जला रहे हो यार? और एक मिनट, पटाखे तो नहीं जल रहे, ये कौन बंदा भाई मेरे ऊपर फायर कर? अबे निकलना इधर से। ये ना भाई एक मिनट, ये क्या है यार, तीन तीन बंदे रास्ते में खड़े हुए हैं यार, क्या सीन चल रहा है? ये बाइक वाला मेरे पीछे आया हुआ है, ये कोई छोटे मोटे चोर होंगे यार मेरे को लग रहा है। मेरे को ना ट्रक बचाना होगा अपना, ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ये ट्रक चुरा लेंगे मेरे से। रुको यार इनको ना मैं भजाता हूँ, रुक करके चल निकल इधर से, ट्रक रोक करके मेरे को उतरना ना पड़े। मैं सोच रहा हूँ अगर उतर जाऊँगा भाई तुम्हारे तीन चार बंदों को ख़त्म कर दूंगा मैं, लेकिन यार उतरना पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले ना चल करके देखता हूँ वो जो बाइक वाला बंदा था वो था तो था कौन, जल्दी से चलता हूँ उसके पास। लेकिन एक मिनट, वो कहाँ उठ करके भाग गया यार? पता नहीं यार उसकी गोली लगी भी कि नहीं लगी, फिलहाल ना डर गए लेकिन अब कहाँ गए ये? ओ भाई एक मिनट, ये तो बालास के बंदे हैं ना। अरे यार ये बालास वाले कहाँ से टपक गए हैं यार, एक दिन में दूसरा अटैक कर दिया इन्होंने मेरे ऊपर। एक काम करना होगा भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं अपनी सिक्योरिटी को फ़ोन कर पाऊँ, और मेरे को ना इनको खुद ही संभालना होगा और यहाँ से निकलना होगा जैसे तैसे। चल निकल इधर से, हेड बजा दिया इस पर, और एक तीन बंदे भाई, एक नहीं है तीन, चल निकल इधर से। ठीक है भाई इसको बजा दिया, इसको भी बजा दिया, और मेरे को ना भाई भागना होगा। भाई पत्तों में छुपे हुए हैं, अचानक से बंदे आ रहे हैं सबके साथ। तो एक काम करता हूँ जल्दी से ना, मेरे को ना इनको जैसे तैसे ख़त्म कर रहा होगा थोड़े बहुत बंदों को, क्या भी मेरे को मौका मिले मैं उसी टाइम यहाँ से भाग करके निकलूंगा। और बाकी आप लोग देख सकते हो मैं इनके ऊपर ना ज़्यादा एयर वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ना यार अगर मेरी एमोज वगैरह ख़त्म हो गई तो ये लोग मेरे को मार भी सकते हैं। बाकी ये लोग ना मेरे को एक टाइम भी नहीं दे रहे हैं कि मैं अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके यहाँ तक बुला पाऊँ, तो इसको मारते हैं पहले, इसको कुछ ज़्यादा चुल मच रही है। अब जल्दी से इनका एरिया ख़त्म करते हैं और भाग करके अपने ट्रक के अंदर चलते हैं। पीछे से चले क्या? अरे नहीं यार पीछे की साइड तो बहुत ज़्यादा बंदे हैं यार, एक बंदा और है, इसको भी मार। चलना निकल इधर से, हमने फाइनली चारों बंदे एक स्प्रे में तो लपेट दिए हैं। अब मेरे को ट्रक लेकर के चलना चाहिए या तो कोई गाड़ी उठा ली छोटे से। एक काम करता हूँ भाई, दिक्कत हो जाएगी ट्रक अगर यहाँ छोड़ करके जाऊँगा तो। ट्रक में बैठते हैं जल्दी से, अपने ट्रक को यहाँ से ना सेफ तरीके से ले करके निकलते हैं। बाकी यार बंदे अचानक से मेरे ऊपर रश कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये लोग कौन मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है यार इन्हें, तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। दोपहर में तो माना कि हो गया था सीधा, मैं इनके ऊपर अटैक करा, इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करा, अब तो मैं सेफ हूँ, भागता हूँ जल्दी से इधर से। और एक भाई ये कहाँ, ओ भाई पागल है क्या, कहाँ टक्कर मार रहा है? ये लोग अपने को पूरी ट्राई कर रहे हैं भाई रोकने की, लेकिन अरे यार ट्रक आगे से टूट चुका उसका हुड, तो मेरे को ना रुकना नहीं है, अगर मैं रुक जाऊँगा तो फंस जाऊँगा इधर, भगाता हूँ। देखो गाइस ये ना बहुत ज़्यादा बंदे आ गए हैं हाईवे के ऊपर, इन्होंने ना हर तरफ से मेरे को घेर रखा है, और बस ये जो ट्रक है जो मेरे को बचा रहा है। अगर मेरा ट्रक यहाँ पर रुका तो सही में मैं मारा जाऊँगा, और मैं ना पूरी फुल स्पीड में अपने ट्रक को यहाँ से लेकर के भागता हूँ। लेकिन एक मिनट यार आग लग गई है, मेरे को कूदना पड़ेगा ट्रक से, और भाई यार ये ट्रक पूरा ख़राब हो गया है। अब जल्दी से मेरे को उठना पड़ेगा, अब जल्दी से चलता हूँ, और ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है अपना ट्रक, तो ना जल्दी से किसी भी एक शॉप में चलते हैं। अबे यार वो ट्रक है यार भाई ब्लास्ट हो गया, अबे निकल हो रहा इधर से भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले तरीके से मारे, लेकिन तुम्हारा भाई उनके हेड बजा। चल ना मर तू इधर से, पहले कस्टमर नहीं हुआ तेरा। मेरे को बस एक जगह चाहिए यहाँ पर छुपने की जहाँ मैं अपने सिक्योरिटी वालों को बुला पाऊँ, लेकिन ये जगह बेस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि ना ये अगर एक ही बार में 10 बंदे अंदर आ गए तो मारना इनको मुश्किल हो जाएगा, ये लोग मेरे को मार सकते हैं। अब एक काम करता हूँ, ये जो गाड़ी है ना ये खुलेगा क्या? यार ये तो लॉक है भाई पूरा, मैं अंदर भी नहीं जा सकता। लेकिन एक मिनट, अरे भाई दिक्कत होगी यार, तो एक काम करता हूँ जल्दी से, ये जो ट्रक है इसको ब्लास्ट करता हूँ। इनके हाथ में मिनी गन, यार इनको तो कोई वेपन्स ना प्रोवाइड करवा रहा है बालास को, कोई तगड़ी पार्टी इनके साथ मिली हुई है मेरे को लग रहा है। और वो देख रहे हो गाड़ी ना पूरी ब्लास्ट होने वाली है, तो मैं इसको ब्लास्ट करता हूँ पूरे खतरनाक वाले तरीके से, और मेरे को भाग करके यहाँ से निकलना होगा जैसे तैसे। पीछे की साइड बंदे हैं, अबे मर जा, ओ भाई 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 भाई, भाई देख रहे हो हाथ में इनके वेपन टिक नहीं रहा है ना, मेरे को मार पा रहे हैं, बस इतने खतरनाक वेपन इनके हाथ में, मैं क्या बताऊँ। ओ भाई
गाड़ी ब्लास्ट हो गई है, तो काम करता हूँ अब जल्दी से ना भाग करके किसी और शॉप में चलता हूँ जहाँ मेरे को थोड़ा बहुत लगे कि सेफ है, क्योंकि ये जो एरिया है ये तो सेफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लोग बाहर से आ जाएंगे तो ये लोग अपने को मार सकते हैं। भाई 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 जल्दी से मेरे को अंदर चलना चाहिए शॉप के, और ये शॉप क्लोज थी, मैंने लॉक तोड़ दिया गोली मार के, और ये लोग अंदर अटैक कर, अरे यार मैं तो फंस चुका हूँ बहुत ज़्यादा गंदे वाला। अरे भाई देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा बंदे हैं बाहर की साइड, मेरे को कुछ वेपन्स की भी आवाज़ आ रही है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की भी आवाज़ आ रही है, और कुछ हेलीकॉप्टर्स की। पक्का यार इसको बंद करता हूँ पहले मैं, ठीक है इसको मैंने बंद कर दिया है, और फायर करता हूँ अंधाधुंध जितने भी बंदे मैं लपेट सकूँ रैंडम फायर में उतने ट्राई करूँगा। तो भाई वैसे ना मैं अकेला इनको नहीं मार सकता क्योंकि ना बंदे बहुत ज़्यादा है बाहर की साइड, उन्होंने मेरे को हर तरफ से घेर लिया है, और मेरे को लग रहा ना यार ये लोग मेरे को मार सकते हैं, बस मेरे को ना कवर में आकर के थोड़ा बाहर निकलना है फिर मारना है। और भाई ये लोग पागल हो गया, मशीन गन देख रहे हो कितनी खतरनाक चला रहे हैं, और ये जब शीशा टूटेगा ना तो सारे बंदे अंदर की साइड रश करेंगे और फिर मेरे को मार सकते हैं। अब मैं अपने बॉडी गार्ड्स को बुलाऊँ कैसे मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, और जो मेरी वेस्ट है वो भी भाई टूटने वाली है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मेरे को बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है। मैं ना बस एमओ चला रहा हूँ, और एमओ को छोड़ो यार अब इसको चलाते हैं अपनी पिस्टल को। ओ भाई मैं फंस गया हूँ यार बहुत ज़्यादा गंदे वाला सही में, ये लोग तो पागल हो गए हैं। अब एक सेकंड का मेरे को टाइम मिले ना मैं अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करूँ, लेकिन वो भी उसी टाइम थोड़ी जादू से आ जाएंगे, वो लोग भी ना 15 से 20 मिनट तो यहाँ पहुँचने में लगाएंगे। अब मेरे को लग रहा है मैं गया भाई, माइकल का ये लास्ट डे है लॉस सैंटोस में, और आपको क्या लग रहा है जी उसे बताना, मैं यार कवर में ही हूँ ठीक, अगर मैं पीक लूँगा तो सीधा मेरे हेड पड़ जाएगा, चलो ना निकलो उधर से, मेरे को दिख कोई भी नहीं रहा, लेकिन मैं तब भी मार रहा हूँ। मेरे को लग रहा है मैं फंस चुका हूँ भाई, अब देखा जाएगा यार क्या होगा, अब वो तो आपको मिलेगा अगली वाली वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर जाओ तो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस लव यू, और अगला वीडियो बढ़िया आने वाला है वेट करना।